Good morning. We are going to review whatever we have done in the last video. We have seen natural number, whole number, and natural numbers, whole numbers, and integers. Natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Whole numbers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Integers 0, 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2. We have seen result numbers also, but what actually we are going to do, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है हम एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ कष्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने आपसे बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको याद होगा कि आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो वीडियो नंबर 1 रेसल नंबर एंड मॉड्यूल 1.1। तो अगर आपने नहीं देखा है तो 1.1 आप देख लीजिएगा। तो वहां हमने कहा था कि मान लीजिए कोई हमारे पास नंबर है और R है और A, B, C सब हम बोलते हैं वो नंबर है। तो पहले हमने क्या बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने कहा था कि अगर A R का एलिमेंट है, B R का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B क्या होगा, R का एलिमेंट होगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू प्लस। जैसे अगर नेचुरल नंबर की स्थिति में लेते हैं तो हम कहते हैं दो नेचुरल नंबर है, टू इज ए नेचुरल नंबर, थ्री इज ए नेचुरल नंबर, तो टू प्लस थ्री इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। अगर दो नेचुरल नंबर है, थ्री नेचुरल नंबर, तो उसका एडिशन भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो हमने क्या बोल दिया कि उस केस में हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। याद रखिएगा हमने एडिशन के पास बात किया था। इसी तरह से अगर दो होल नंबर लेते हैं, जैसे हमने कह दिया भाई हमारे पास जीरो एक होल नंबर है, थ्री होल नंबर है, तो क्या जीरो प्लस थ्री भी एक होल नंबर होगा? तो हमने कहा हाँ होगा जी। तो हमने कहा कि एडिशन के सापेक्ष क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, माने होल नंबर में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसी तरह से इंटीजर्स की बात कर ले, अगर इंटीजर्स में मान लीजिए आप कहते हो कि हमारे पास माइनस थ्री है प्लस माइनस टू है इज इक्वल टू कितना हो गया जी, माइनस फाइव, आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में। और ये क्या है, ये इंटीजर है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, हम स्टाइल नहीं बदलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हमने कहा माइनस थ्री एक इंटीजर है, माइनस टू एक इंटीजर है, तो माइनस थ्री प्लस माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फाइव इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हमने क्या कह दिया कि इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर भी क्या होता है, ये क्लोज्ड अंडर एडिशन होता है। तो हमने एडिशन की चर्चा देख लिया, क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लिया। अब देखिए अगर आप कहते हो कि साहब ठीक है ये तो हमारे पास हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो दो नेचुरल नंबर्स को 3 प्लस 5 इक्वल टू 5 प्लस 3 होता है, हमने कहा भाई नेचुरल नंबर में चलेगा, होल नंबर में भी चलेगा, इंटीजर में भी चलेगा। मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, याद रखिए हम रेशनल नंबर भी नहीं ले रहे हैं। मैंने इसलिए रिकैप कहा था कि जो आपने छठी सातवीं में पढ़ा था अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आता तो यहाँ समझ लीजिए, पांच मिनट समय एक्स्ट्रा दे दीजिए, लेकिन समझना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हम लेकर के हवा हवाई करते रहेंगे, आप वहीं का वहीं फंस जाएंगे। उस केस में हमने कह दिया कि a प्लस बी, यानी इनकी सिर्फ पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो ये सब पर लागू होती है। अब इसके बाद अगर हम कहते हैं कि साहब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये वाला होता है। तो हमने कह दिया भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है, किस पर, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, आप खुद नंबर लेके देख लीजिएगा। जैसे अगर आप करना चाहते हैं कि हम 3 प्लस 5 ले लिए और प्लस 7 ले लिए, तो ये 3 प्लस 5 प्लस 7 हो जाएगा, आप करके देख लीजिए, 5 3 8 7 15 5 3 8 क्लियर हो रहा है। तो ये हमने कह दिया कि इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमने क्या कहा था कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसे भी कर सकते थे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी,
यानी एक बार फर्स्ट सेकंड को ले लिया और दूसरी बार सेकंड थर्ड को। जैसे आपने कह दिया कि हम माइनस टू लेते हैं, माइनस थ्री लेते हैं, दोनों को जोड़ दिया, यहाँ माइनस सेवन जोड़ दिया, तो क्या इसे हम माइनस टू माइनस थ्री माइनस सेवन ऐसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने इंटीजर का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नेचुरल नंबर पर भी लागू होता है, होल नंबर में भी लागू होता है और इंटीजर्स में। हम अलग अलग टेबल बना देंगे या बनवा देंगे ताकि आपको सुविधा हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए, अगर एसोसिएटिव हो गया तो हमने कहा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हमने कहा था भाई देखो, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। याद रखिए, हम सिर्फ इसी की चर्चा करेंगे, हम इसके इधर उधर लेके नहीं जाएंगे। आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो अगर आप कहते हो कि इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ए इंटू बी प्लस क्या हो गया, a इंटू सी, ये सब पर लागू हो जाएगा। किसी भी नंबर को यहां से आप ले करके रख लीजिएगा इसमें और जब सेटिस्फाई कराइएगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये तो हमने एडिशन की बात कर दिया। अब सपोज कर लीजिए कि अगर यही हम क्या करते, ये हमारे पास क्या हुआ था, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, तो ये हमने एडिशन का एग्जाम्पल लेके किया था। अच्छा, अगर बाई चांस मान लीजिए कोई कहता है सब्ट्रैक्शन लेके चलेंगे तब क्या होगा? अगर सब्ट्रैक्शन की स्थिति में लेंगे तब हम क्या क्या कर सकते हैं? तो नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन अगर ले लीजिएगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं साहब हमने 5 ले लिया, 2 ले लिया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, नहीं, वो किसी भी नंबर के लिए होना चाहिए। हम बोलते हैं फॉर एवरी, मतलब आपने कह दिया कि 2 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, तो 2 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस 3, तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो जो नेगेटिव वाला होता है वो क्या हो, नेचुरल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगा, होल नंबर में नहीं होगा, लेकिन इंटीजर में हो जाएगा क्योंकि वहां नेगेटिव होता है। रेशनल नंबर की चर्चा हम नहीं कर रहे। इसी तरह से जब मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई अगर 2 हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, तो क्या 2 इंटू 5 नेचुरल नंबर होगा? हम यहां होगा, तो उस केस में क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष में क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है? क्लोज होना मतलब क्या हुआ, हम खाली एडिशन की बात नहीं कर रहे, हम आपको उस किताब के बियॉन्ड ले जा रहे हैं कि एडिशन के भी हो गया, सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, डिवीजन को भी देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के स्थिति में नेचुरल नंबर क्लोज होता है, होल नंबर भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर, 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर मिलेगा। तो इस तरह से हमने क्या कह दिया, मल्टीप्लीकेशन भी तीनों का तीनों लागू होता है। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है मतलब क्या, a प्लस बी बिलोंगिंग टू r, अगर a बिलोंगिंग टू r, b बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब ये हुआ। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कि हमने किसमें कहा, मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 5 इज इक्वल, बस समझ में आ रही है? तो मल्टीप्लीकेशन में भी तीनों का तीनों लागू हो जाएगा। आप खुद एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके करिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चे की तरह से हम आपको बॉटल से दूध नहीं पिलाएंगे, आपको थोड़ा सा अपने से भी करना पड़ेगा और करके देखिए कि ऐसा हो रहा है क्या, देन ओनली यू विल डेवलप द कॉन्सेप्ट। उसके बाद जब हम बात करते हैं एसोसिएटिव का, बिल्कुल हो जाएगा। अगर यहाँ 2 नेचुरल नंबर होगा और यहाँ पर क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन भी लागू हो जाता है। इसी तरह से ये तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव तो सिर्फ यहीं पर लागू होता है, यानी हमको ये तीन ही डिस्कस करना है, किसमें, तीन प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन के। इसी तरह से जब डिवीजन लेके चलेंगे तो डिवीजन में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, याद रखिएगा। कहते हैं कि भाई डिवीजन चलेगा क्या, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम अलग अलग टेबल लेके चलेंगे। जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास 2 एक नेचुरल नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है, तो क्या 2 डिवाइडेड बाई 3 नेचुरल नंबर होगा क्या? तो हम कहते हैं कि नहीं होगा। तो हम कहते हैं यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होता, ये नहीं होल्ड होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है, कोई कहता है कि अच्छा बताइए तो 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 8 होता है क्या? हम बोलते हैं नहीं होता है। तो हमने कहा कम्यूटेटिव नहीं लागू होगा। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि 12 डिवाइडेड बाई 8 12 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, मान लीजिए कि ये वाला
इज इक्वल टू 12/4/3। बोलता है कि ये बताइए, अब जरा करके देखिएगा, यहाँ पर 12/4 इज इक्वल टू कितना होगा 3, और 3/3 का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, यहाँ 12 है एंड डिवाइडेड बाई क्या कहता है, ये 4/3 है, इसको आप क्या करेंगे तो क्या होगा 12/3/4, ये कितना होगा, ये 9 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस पर लागू नहीं होता है। तो अब हमने क्या देख लिया, हमने करीब करीब सभी प्रॉपर्टी को, मतलब नेचुरल नंबर की स्थिति में, होल नंबर की स्थिति में, इंटीजर की स्थिति में, सभी प्रॉपर्टी को हमने धीरे धीरे करके देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी द टेबल 1/1। देखिए, अब हम सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में देख रहे हैं कि हमारी अगर नेचुरल नंबर हमारे पास होगा तो ये क्या क्या हो सकता है। पहली बात देखिए, दो नेचुरल नंबर अगर है, हम कहते हैं 2+3, ये इज इक्वल टू कितना हो गया 5, नेचुरल नंबर होता है। इसका मतलब कि एडिशन के सापेक्ष क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगा, याद रखिए। अपन एडिशन की चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 5+3 इज इक्वल टू 3+5, तो हमने कह दिया हाँ साहब ये होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 5+3+2, जैसे आप ऐसे कहते हैं 5+3+2 इज इक्वल टू 5+3+2, ऐसा हो सकता है, तो हमने कह दिया हाँ साहब ये हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने सिर्फ बोला था कि इसी केस में हम डिस्कस करेंगे, किसमें हम ये डिस्कस करेंगे, a(b+c) इज इक्वल टू a(b+a)c, जैसे 7 × 2 × 3 इज इक्वल टू 7 × 2 + 7 × 3, 3, 2, 5, 7, 35, और यहाँ 7 × 14, 17, 21, ये भी कितना हो गया 35, यानी सही हो गया। तो हमने कह दिया भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लागू होता है, माने एडिशन नेचुरल नंबर की स्थिति में चारों के चारों जो प्रॉपर्टी होते हैं, माने क्या, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब का सब टिक होता है, होता है। अब हम कहते हैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या होगा, पहली बात तो ये नहीं होगा, कारण बताइए क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप कहते हो 2-3 = -1 हो गया, नेगेटिव नंबर तो इसमें होता नहीं नेचुरल नंबर में, कहीं ना कहीं तो आएगा ना भाई, आप हमेशा बड़ा वाला नंबर मत लीजिएगा, आपको हमेशा गलती निकालना है, मैंने ऐसा निकालना है जो ऑड हो। अब ये नहीं कहेंगे सर 12-5 करेंगे तो 7 हो जाता है, और हम बोलेंगे फिर 7-12 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव होगा, निगेटिव नेचुरल नंबर होता नहीं है, तो ये नहीं होता है। अब जब क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं होता है तो उस केस में ये एसोसिएटिव ये सब डिस्कस करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसका मतलब कि नेगेटिव में हमारे पास ये कुछ डिस्कस नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अगर दो नेचुरल नंबर हमारे पास है, इसे मान लीजिए आप कहते हैं 7 है और दूसरा 5 है, तो कितना होगा 35। दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, इसका मतलब कि ये सही हो गया, कम्यूटेटिव भी होगा, जैसे आपने कहा 7 × 5 = 5 × 7, एसोसिएटिव भी हो जाएगा, this into 3, ये भी होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव हमने ऑलरेडी कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव हम एक बार ही चर्चा करते हैं, यहाँ हम चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन में अगर आप कहते हैं कि हमारे पास 7 है और दूसरा 3 है, तो 7/3 ये तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो एक बार अगर ये गड़बड़ हो गया तो नीचे वाला सब सोचना ही नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, किसके लिए हो गया, नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर में क्या हो गया, ये सभी के सभी प्रॉपर्टी लागू होती है, ये तीनों लागू होते हैं मल्टीप्लीकेशन में, नेगेटिव और डिवीजन में लागू नहीं होता है। बहुत अच्छी सी बात है, क्लोजर वाला ही नहीं होगा जब उसमें होता ही नहीं है दो करने का नंबर ऑपरेशन करने से, तो बाकी कब डिस्कस क्यों करेंगे, क्लियर। अब देखिए, अब बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर में हमने क्या कहा था, होता है 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन सो फोर। हमें पता है कि अगर दो होल नंबर जिस तरह से नेचुरल नंबर में किए थे, वैसे ही अगर होल नंबर में दो होल नंबर्स को लेके अगर ऐड करिएगा तो होल नंबर ही मिलेगा, इसका मतलब क्लोजर हो गया। इसी तरह से कम्यूटेटिव भी हो जाएगा, वही लॉजिक है, एसोसिएटिव होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर में भी चारों का चारों होता है। दूसरा पार्ट देखिए, निगेटिव में जो लॉजिक वहां लगा था वही यहां भी लागू होता है, यानी यहां पर जैसे आपने कह दिया 2 है या 0 है,
और माइनस थ्री है इजिकल टू माइनस थ्री है, तो ये दो होल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है, इसमें किसी को डिस्कस नहीं करना है। मल्टीप्लीकेशन में फिर हो जाएगा ये तीनों, और इसमें कोई नहीं होगा, यानी करीब करीब जो नेचुरल नंबर में होता है वही होल नंबर। देखिए थर्ड वाला हमारे पास इंटीजर्स था, इंटीजर हमारे पास क्या होता है, जीरो वन टू थ्री फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फोर। तो अगर इसकी हम चर्चा करें तो कोई भी दो इंटीजर, जैसे आप कहेंगे कि भाई हम माइनस थ्री को और प्लस माइनस टू को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस फाइव होगा, यानी क्या हुआ, ये भी इंटीजर हो गया, यानी एडिशन की स्थिति में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, माइनस थ्री प्लस माइनस टू इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस थ्री, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, यानी चारों के चारों जो है ये होल्ड करते हैं किसमें, इन केस ऑफ इंटीजर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई ये दोनों से डिफरेंट है, जैसे आपने कह दिया कि हमारे पास एक माइनस सेवन है और माइनस माइनस माने कि हमने यहां टू कह दिया, हमारे पास ये भी क्या था, इंटीजर है, ये भी क्या है, इंटीजर है, इन दोनों को अगर हम निकालते हैं तो कितना हो गया, माइनस नाइन, क्या ये भी इंटीजर है, तो हम बोलेंगे हाँ साहब इंटीजर है। तो अगर ये इंटीजर हो गया तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो गया, होल्ड, नई चीज आ गई, ये ध्यान से देखिए, ये एक नया आया है क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन यानी निगेटिव के सापेक्ष क्या हो गया, होल्ड करता है। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे आपने कह दिया कि हम कहते हैं भाई सेवन माइनस टू इज इक्वल टू टू माइनस सेवन, होता है क्या, सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, इंटीजर तो होगा, बात समझ आ रही है, जैसे सात माइनस दो पांच होगा, टू माइनस आई माइनस फाइव, ये दोनों क्या है, इंटीजर्स है, लेकिन बराबर नहीं होते हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कह दिया बाबा आपका तो खेल खत्म। अब कहता है कि भाई एसोसिएटिव बता दीजिए, एसोसिएटिव देखिए, अब जब ये निगेटिव होगा तब से अपने आप हो जाएगा, इसे सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन माइनस फाइव माइनस थ्री, याद रखिये हम, मैंने बोला था मैं किताब से बाहर जा रहा हूं, मैंने डोंट अभी मैं दूसरे किताब में नहीं दिया हुआ है, इसलिए तो मैं बता रहा हूं, इसमें जो आप किताब में नहीं है वो विजडम बॉक्स में समझ लीजिएगा, लेकिन ज्ञान जरूरी है। अब देखिए यहां पर सेवन माइनस फाइव कितना होगा जी, ये टू माइनस थ्री इक्वल टू माइनस वन हो गया, यहां देख लीजिए ये सेवन है, यहां टू हो गया, यहां कितना हो गया फाइव हो गया, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए हम कह दिया माइनस टू यहां पर थ्री माइनस फाइव, जैसे निगेटिव के लेके चल रहे हैं तो हमने कह दिया थ्री माइनस फाइव, ये चल सकता है क्या, ये बिल्कुल चल सकता है, क्यों, क्योंकि ये माइनस टू इंटू थ्री होगा और ये माइनस माइनस टू इंटू फाइव होगा, तो कितना होगा ये माइनस सिक्स, यहां पर माइनस टेन माइनस माइनस प्लस टेन इक्वल टू कितना हो गया फोर, और यहां पर भी कितना हो गया फोर, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाता है। याद रखिए ये जितनी चीजें हैं ये सब विजडम बॉक्स में आती है, मल्टीप्लीकेशन में चलता है, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी भी चलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी चलेगा, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होना है, ए टू बी, बी टू सी, जैसे आप कहते हैं कि भाई हमारे पास माइनस टू है माइनस थ्री है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये इंटीजर होगा, तो हमने यहां होगा, याद रखिए प्लस और माइनस दोनों इंटीजर होता है, तो ये सॉरी ये चलेगा। फिर कम्यूटेटिव कहते हैं कि साहब माइनस टू इंटू इज इक्वल टू माइनस थ्री इंटू माइनस टू होगा क्या, बिल्कुल होगा, तो उस केस में हम कह देंगे भाई ये भी चलेगा। एसोसिएटिव के लिए हमने क्या बोला था, एसोसिएटिव हमने इसकी बात कहा था कि यहां हमने भले ही कह दिया है लेकिन निगेटिव के सापेक्ष में कर दिया। चलिए ये दोनों जो हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन में, हम इसको दोनों को नहीं डिस्कस करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, क्योंकि वहां हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां देख लीजिए कि अगर हमारे पास कम्यूटेटिव हो गया एसोसिएटिव हो गया, यहां पर डिवीजन वाले में नहीं होता, क्यों नहीं होता है बताइए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हमारे पास माइनस एट है एंड डिवाइडेड बाई माइनस फाइव है, तो ये हो गया कितना जी, एट बाई फाइव, ये क्या होता है, ये तो इंटीजर होता नहीं है, ये तो कोई दूसरा नंबर आ गया, तो हमने कह दिया भाई क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता है, ये नहीं होल्ड होता है, तो ये सब खत्म। तो ये दिस इज समथिंग अबाउट इंटीजर्स। नाउ
अब हम लोग सबसे जो जो आपको पढ़ना है जो सिलेबस में, पहले वाला तो हमने क्या किया था, रिकैप किया था, जो पीछे वाला जितना गड्ढा था उसको भरा गया था, उसको ठीक से याद किया गया था कि भाई रिचुअल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। एक्चुअल अब स्टार्ट होता है, वो क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, हम बोलते भाई ये क्यू है और ये किसके फॉर्म का होता है, इट इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, जहां हमने कहा था पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होती है। यानी जब भी नंबर किसके है, फ्रैक्शंस के रूप में आ जाए विद प्लस और माइनस साइन, याद रखिएगा नंबर दैट फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल नंबर्स विद प्लस और माइनस साइन, तो वो क्या हो गया था, रैशनल नंबर हो गया था। तो अब पूछना ये है कि साहब ये क्लोजर प्रॉपर्टी, हम लोग सिर्फ एडिशन की बात करते हैं, एडिशन के सापेक्ष चलेगा क्या? तो कोई एक रैशनल नंबर हम लोग लेते हैं। देखिए हम इसमें बहुत हवा हवाई वाली बात नहीं, एकदम रेशनल नंबर की हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 3/5, ये रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू है, क्यू का मान जीरो नहीं है। दूसरा हमारे पास नंबर है -2/5, याद रखिए ये भी रेशनल नंबर होता है, हमने एक पॉजिटिव ले लिया और एक निगेटिव ले लिया, तो हमने कहा कि भाई ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, दोनों को हम एड करते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 यहां पर हो गया, 3 - 2 = 1/5, क्या ये रेशनल नंबर है? तो हमने कहा हाँ भाई ये रेशनल नंबर है। देखिए मैंने जानबूझ के यहाँ क्यों लिख दिया, रेशनल नंबर है, हमने हाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को, इफ वी एड टू रेशनल नंबर्स देन वी गेट अ रेशनल नंबर ओनली, ये तो क्लियर हो गया कि अगर रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को अगर हमने क्या किया, एड कर दिया, तो रेशनल नंबर मिलता है, इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। दूसरा अगर हम एक रेशनल नंबर में से दूसरे रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाला देखिए, तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना होगा जी, 5/5 = 1 भी रेशनल नंबर है, मैंने बताया था कि इट कैन बी रिटन एज 1/1। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर की स्थिति में अगर हम सब्ट्रैक्शन के सापेक्ष देखेंगे तो भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। अच्छा अब कहते हैं साहब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब, जैसे आपने कहा हमारे पास -3/7 है और दूसरा 2/5 है, ये दो रेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर लीजिए, -3/7 × 2/5 = -, याद आ रहा है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना होगा, 7 × 5 = -6/35। रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्यों, पी बाई क्यू के रूप में है, क्यू का मान जीरो नहीं है। तो मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होता है, चल गया, मल्टीप्लीकेशन भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन भी क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। अब जब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो बड़ा डिफरेंट है, वो पूछ रहा है कि सर बताइए डिवीजन में चलेगा क्या? तो हमने कहा कि हाँ साहब डिवीजन में चलेगा, तो याद रखिएगा ये सब में एक ऐसा नंबर है जो आके लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो रेशनल नंबर होता है और आकर के टिपिक करके जाता है, जैसे होता ना आगे चूटी काट के चला जाता है, वो आपको सोचना है नंबर क्या है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 3/5 है और दूसरा नंबर -2/7 है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो आपने क्या कह दिया भाई डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा, जैसे देखिए 3/5 होता है, जब डिवाइड करते हैं तो उल्टा करके ये वाला कर लेते हैं ना, तो ये हो गया 21, इसकी और फिर चर्चा हम करेंगे, = -10, ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था, आपके हिसाब से होना चाहिए था कि भी डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, याद रखिएगा। लेकिन मैंने बोला था कि एक ऐसा नंबर जो आएगा धीरे से चूंटी काट के निकल जाएगा, वो नंबर आप सोच के देखिए कौन सा नंबर हो सकता है, मन में कुछ विचार आया अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अगर जो हम बताएंगे अगर वो नंबर होगा तो अपने आप को वेल्डन कहिएगा, नहीं होगा तो फिर सुन लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3/5 है, पहले ये बताइए क्या 0 एक रेशनल नंबर है, हाँ या ना? तो आप बोले कि हाँ सर है, क्यों, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 रेशनल नंबर है। अगर 0 रेशनल नंबर है
इसका मतलब कि 3/5 से जरा 0 को डिवाइड करिए तो हम कहते हैं साहब ये तो डिफाइंड ही नहीं होता है। क्लियर हो गया क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन की स्थिति में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, ये नहीं होगा तो खत्म। ये क्लियर हो गया क्यों? क्योंकि अच्छा देखिए कहेंगे सर जीरो अगर इसमें करेंगे कोई बात नहीं, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। कहते हैं सर जीरो सबट्रैक्ट करेंगे वही नंबर रहेगा, अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा। मतलब रेशनल नंबर में एडिशन सबट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में जीरो से करने पर रेशनल नंबर ही रहेगा, लेकिन डिवाइड करने से सब तबाही बच जाएगी। इसीलिए हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया भैया इसमें तो नहीं होगा। अब ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ लिया, लेकिन जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन यहां ऐसे मत देखिएगा, इसको लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस आर बाई एस इज इक्वल टू आर बाई एस प्लस p बाई क्यू। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर जैसा लगना चाहिए, दिखना चाहिए। तो अब आपको पूछता है कि भाई बताइए 2 प्लस 3 और 7 माइनस 7 बाई 9 इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 9 प्लस 2 बाई 3 होगा क्या? बोले हाँ सर ये तो चलेगा, होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन की स्थिति में तो होता है सर, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा जो बाकी होता है। जैसे अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो नहीं चलेगा। मल्टीप्लीकेशन फिर चल जाएगा, क्यों? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही नंबर आएगा, यानी ये चलेगा, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बात कर लिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लिया। एसोसिएटिव में क्या होता है? एसोसिएटिव में कहते हैं p बाई क्यू प्लस आर बाई एस, याद रखिएगा हम सिर्फ प्लस के लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन के अलग डिवीजन के लिए अलग होता है। उस सिचुएशन में अगर हम कहते हैं दिस एंड m बाई n इज इक्वल टू p बाई क्यू प्लस आर बाई एस प्लस m बाई n, ये वाला देख लीजिए, बहुत टफ तो नहीं हो रहा है, हम इसको देख के हड़किएगा नहीं। सिर्फ हम कह रहे हैं कि सर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 7 बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 7 बाई 2 होगा क्या? इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, इनको अलग जोड़ देंगे, इसको अलग जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या? तो कह देंगे हाँ साहब ये तो हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। इस वाले में देखिए, नेगेटिव वाले में कि अगर आप कहते हैं कि भाई ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये आप कर पाएंगे क्या? जैसे मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपने कहा 7 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2, अब कहेंगे सर आपको दूसरा नंबर ले लिए, ये भी तो रेशनल नंबर है, ये है, ऐसा नहीं कि रेशनल नंबर नहीं है, क्यों? सबका डिवाइड बाई 1 कर देंगे। तो इसका मान कितना होता है जी? इसका मान होता है 7 माइनस 1 इक्वल टू 6, और इसका मान क्या होता है जी? 4 माइनस 2 इज इक्वल, आप देखिए सब गड़बड़ा गया जी, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 7 माइनस दिस वन इक्वल टू कितना जी? 6 हो गया, और यहाँ 7 माइनस 3 का मान कितना हो गया जी? 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 2, तो गड़बड़ा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं चलेगा, मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही करना है तो हम चाहे इसको इसको करें या इसको इसको कहें अल्टीमेटली तो ये हो जाएगा साहब। अब पूछता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि सिर्फ आप इसी में चर्चा करेंगे और किसी में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग करेंगे क्या कि आगे क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जीरो और वन का रोल क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जीरो और वन का रोल, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी और इनवर्स, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे।